नमस्कार, मुझे किसी ने पढ़ाने के लिए कहा कि मतलब एक्चुअली काफ़ी टाइम पहले की बात है कि बायो का ट्यूशन पढ़ना है। ट्यूशन मैं पढ़ाती नहीं हूँ, बट कह सकते हैं कि एक स्पेशल रिकमेंडेशन था जिसकी वजह से मैं पढ़ाने के लिए तैयार हो गई। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमें मतलब एड्रेस बता दीजिए। तो मैंने एड्रेस बताया, वो जैसे ही मेरे घर पे आए, मतलब मदर एंड डॉटर, दे वर लाइक कि दे जस्ट दे वर वॉचिंग माई ऑब्जर्विंग माई होम, मतलब मेरा घर देखने लगे। जो घर देखने का एटीट्यूड था वो बहुत गलत था, ठीक है। मतलब आप समझ गए होंगे कि वो किस तरह से घर देख रहे थे। हमारा सिंपल सा घर है जैसा होता है, आंगन, और ठीक है, इट डिपेंड्स किसको कैसा। हमें खुला घर पसंद है, हम वैसे घर में रहते हैं, और काफ़ी पुराना घर है। उसके अलावा जैसे घर के आंगन में, आपको पता है हमारे भारतीय संस्कृति में तुलसी जी लगी होती हैं, और दूसरे उस कृष्णा जी लगाए हुए थे, फिर शिवलिंग, और सावन का टाइम भी था तो डेली पूजा करनी। शिवलिंग घर के अंदर नहीं रखा जाता, ये भी आपको पता होगा। तो ये तो मतलब जैसे पूजा की हुई है, स्वस्तिक बनाया हुआ है, तो यार प्लीज़। और हम अगर हिंदुस्तानी संस्कृति के हैं, भारतीय संस्कृति के हैं, तो किसी अंधे को भी दिख जाएगा कि सामने पूजा की हुई है, तो उस साइड ना जाए। बट वो स्लीपर के साथ उसी तरफ खड़े थे, और जैसे उनका जो पर्टिकुलर दुपट्टा वो ऐसे टच हो रहा था, और मैं मतलब अतिथि देवो भव, हम लोग उसको फॉलो करते हैं, तो मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, गुस्सा बहुत आ रहा था। मैंने कहा ये तब दिखना तो चाहिए। उसके बाद मैंने उनको 10 बार बोला, मैंने कहा आप बैठ जाइए, बैठ के बात करते हैं। बट वो मेरा घर देखते रह गए कि, और ऑल ऑफ सडन दे जस्ट टोल्ड मी कि ना, आप, हम ड्राइवर भेज देंगे, आप हमारे घर पढ़ाने आ जाइए। मैंने कहा अच्छा। मैं ये सब शांति से ऑब्जर्व कर रही थी, क्योंकि भगवान की कृपा से शांति एकदम निहित हो गई थी मेरे अंदर, तो मैं बस देख रही थी। मैंने कहा ठीक है, मैं बता दूंगी आपको, लेट्स सी। फिर उनका कॉल आता रहा आता रहा, मैंने मना कर दिया। मैंने अपने मतलब पेरेंट्स, मम्मी पापा भी वहीं थे, ऊपर बैठे हुए थे स्टेयर्स पे, तो उन्होंने कहा मना कर दे, कोई ज़रूरत नहीं है। रीज़न मैंने उनको नहीं बताया, लेकिन ऑब्वियसली इंसान जब कुछ गलत करता है तो उसको पता तो चल ही जाता है। अगर आप विद्या प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, आप किसी से कुछ सीखने जा रहे हैं, ठीक है, जैसे विद्यादान भी एक बहुत बड़े दान में आता है, कन्यादान, ऐसे काफ़ी सारे हमारे यहाँ दान एक्सप्लेन किए गए हैं। तो जब आप सीखने जा रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये मायने नहीं रखता कि आप कहाँ बैठ के सीखते हैं। मैं अभी जैसे नीचे बैठी हुई हूँ, मुझे सिर्फ सीखना है, मुझे शिक्षा प्राप्त करनी है। मैं ये नहीं देखूंगी कि मेरे जो शिक्षक हैं वो मुझे कहाँ बैठ के पढ़ा रहे हैं, मुझे एसी में बैठाया है कि नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जब आपके अंदर सीखने की ललक ही नहीं है ना, और आप सिर्फ वो शो ऑफ देखना है, तो आई एम सॉरी टू से, आप ज़िंदगी में कभी नहीं सीख पाएंगे। एक बहुत बड़ा पॉइंट है। हाँ, आप किताबों को रट्टा मार के आराम से नंबर ज़रूर ले आएंगे, 100% भी ले आएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन उसके आगे का जो आपका एग्ज़ाम होगा ना, जो गलती से कभी सपोज स्ट्रगल फेस करना पड़ा, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते हैं, स्ट्रगल तो किसी को भी फेस करना पड़ सकता है, तो फिर वो आपको उस रट्टा मारने वाली बुक से कभी भी नहीं मिलेगा, कभी भी वहाँ से वो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, वो शिक्षा प्राप्त नहीं होगी। ये तो हमें हालात सिखाते हैं, और कहीं ना कहीं जो एक शिक्षक होता है, एक अध्यापक, अध्यापन का कार्य होता है, वो ये नहीं होता कि किताबी ज्ञान पढ़ा दिया, उसे कहीं ज़्यादा वैल्यूज़ और एथिक्स पे ये चीज़ें डिपेंड होती हैं, और कितना सामने वाला सीखना चाहता है उस पर, मतलब दोनों का, इट्स काइंड ऑफ सिम्बायसिस, म्यूचुअल गिव एंड टेक। अगर मैं किसी को देना चाहती हूँ, तो सामने वाला मेंटली लेने के लिए भी प्रिपेयर होना चाहिए। अगर मैं सिखाना चाहती हूँ, तो सामने वाला सीखने के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, और एटीट्यूड, एरोगेंसी, ईगो नहीं होना चाहिए, तभी जाके कोई सीख सकता है, अदरवाइज। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक यू सो मच।